अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैंगो स्क्वैश। मैंगो स्क्वैश बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा किलो आम, ये दशहरी आम है। 3 टेबलस्पून लेंगे लेमन जूस, नींबू का रस, 300 ग्राम चीनी लेंगे और 400 ml पानी लेंगे। तो ये चीज़ें चाहिए मैंगो स्क्वैश बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम आम को छीलकर इसका पल्प निकाल लेते हैं। तो आम का पल्प हमने निकाल लिया है, अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो मैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से बना रही हूँ, चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में प्यूरी बना दे। तो प्यूरी रेडी हो चुकी है, अब इसको साइड करेंगे। तो हमने बॉक ले ली, अब उसमें हमें चीनी डालेंगे, 300 ग्राम चीनी और डाल देंगे 400 ml पानी और चीनी को अच्छे से डिजॉल्व होने देंगे। चीनी डिजोल्व हो गई है और इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस की जगह 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड यूज कर लें और इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका इंडक्शन ऑफ कर देंगे। और ये डाल देंगे साथ में आम की प्यूरी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं है, अच्छे से मिला लेंगे शुगर सिरप में और इसको ठंडा होने देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, इस तरीके का है ये। अब हम इसके स्क्वैश तैयार करते हैं। अब हम स्क्वैश रेडी करते हैं, इसको हमने जग में निकाल लिया है। डालेंगे ठंडा पानी, वन फोर टीस्पून डालेंगे चाट मसाला, चाट मसाला डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालेंगे काला नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में डाल देंगे इसमें आइसक्रीम। तो तैयार है हमारे ये मैंगो स्क्वैश, और इसको हमने जग में रख लिया है और इसको बाद में इसको बॉटल में भरकर रख लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।